चार सूत्रीय मांगों को लेकर गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र नेता मनीष ओझा और नारायण दत्त पाठक के नेतृत्व में छात्रों ने मंडलायुक्त कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। इस अवसर पर मंडलायुक्त की अनुपस्थिति में सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने मौके पर पहुंचकर अपनी सूझबूझ से छात्रों का मांग पत्र लेकर धरना समाप्त करवाया, जिसके संबंध में छात्र नेता मनीष ओझा ने कहा कि छात्रों की सरकार से मांग है कि स्नातक प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष एवं परा स्नातक प्रथम वर्ष के छात्र व छात्राओं को अगली कक्षा में प्रोन्नत करने व अंतिम वर्ष की परीक्षा बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र पर आधारित न करते हुए पूर्व की भांति कराई जाए और कोरोना महामारी की वजह से परीक्षा के दौरान यदि किसी छात्र छात्रा की मृत्यु होती है तो उसके परिजन को 10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। इसके अलावा छात्र छात्राओं को कोरोना टीकाकरण में वरीयता दी जाए। उन्होंने कहा कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो छात्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। इस अवसर पर गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र नारायण दत्त पाठक, प्रतीक त्रिपाठी, दीपक वर्मा, अभिनय मिश्रा, सत्यम गोस्वामी, सात्विक पति त्रिपाठी, सैफ, जैनब आलम सहित अन्य छात्र व छात्राएं मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र नेता मनीष ओझा ने कहा, क्या ये मीठी मीठी गोली माता नाना पसंद करता हूँ, मैं कहता हूँ जो सीधे सीधे है। पहली चीज ये है कि मंडलायुक्त आपने पहले कभी दिया था या नहीं दिया था? आप ही पूछा है भाई, वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि मंडलायुक्त को दिया, मंडलायुक्त को नहीं दिया? अपर आयुक्त मैं तो एडिशनल कमिश्नर, मैं दिया हो, देने के बाद कमिश्नर साहब को दिया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप कमिश्नर साहब का ट्रांसफर होना था, उनको ज़्यादा वो नहीं है, वो चले गए। अब नए वाले आएंगे, कल आने के बाद प्रॉपर तरीके से बातचीत हो सकती है, सारी चीज़ हो सकती है, मैटर पर डिस्कशन हो सकता है और नए अधिकारी किस तरह का अपना जो है व्यू रखेंगे, क्या डिसीजन लेंगे, वो उनके हाथ में, कह सकता हूँ। हाँ, आज जो करना है वो बताओ। जैसे हम लोग की तो डिमांड है कि हम लोग उन्हीं से मिलकर हैं, बेस्ट तरीका है। देखिए आप बच्चे हो ना, हमारी बात आप ले लीजिएगा, जब आ जाए तभी आना बेस्ट होगा और हमें भी अच्छा लगेगा क्योंकि आपकी बात प्रॉपर तरीके से उनके चैम्बर में बैठ के आराम से वापस, क्योंकि देखिए कोई नया अधिकारी होता है उसको हर पॉइंट देखना होता है। भाई देखिए यार, हम भी स्टूडेंट रहे, कोई ऐसा सर तो स्टूडेंट रहे तो हम लोग को अब ये बताइए, कोरोना के काल में अंदर आप माने आदमी नहीं वालों को कोरोना खतरा है, अपना तक पर अपना तक छात्र कोरोना से खतरा नहीं है। कई बार उनको ज्ञापन दिया, कई बार हम लोगों ने अपनी बातों को रखा, आज से अब तक कोई उनकी तरफ से कोई निर्णायक फैसला नहीं आया कि मोहलत तक की मांग दी थी चार, लेकिन नहीं हो रही, उस पर कोई अभी तक निर्णायक फैसला नहीं लिया गया, तब जाके हम लोग मजबूर होकर हम लोग आए। मैटर जो है हमेशा नियम के लेवल पर निर्णय होता है, ऐसा नहीं है कि इसी आपकी यूनिवर्सिटी का होगा, इस प्रकार सेम मामला और भी यूनिवर्सिटी का होगा, ऐसा है। पर तो सामूहिक इकट्ठा करके जो मेरे बच्चे सबकी हालत ठीक है, अब ऐसे भी अब लहर खत्म होने की स्थिति में आ गई है। अब अच्छा, हर आदमी को अपनी करनी होती है, हैं अब से जो मास्क लगाए नहीं है ना, ये आप अपनी सुरक्षा कर रहे हो आप, समझे नहीं? जो आदमी अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहा है तो थोड़ी है। और हम लोग अपने प्रदर्शन को बात करें सर, लेकिन अभी तक कल्याण की बात की तो कोई ना होता ये है, और फोन करने का या निरस्त करने का सेशन हो या फोन करने का ये किस स्तर से लिया जाएगा? सर वो तो मुझे भी पता है, आप अपनी बात बता सकते हैं, आपकी बात को हम पहुँचा सकते हैं, जो सबसे बेस्ट पॉसिबल माध्यम है। तो यहाँ से बैठने से देखिए आपकी बात ये प्रेस जाएगी कि कवर कर लेंगे लोग, नहीं कवर देखिए सर, कवर करने के बाद बैठे, तो इनका बहुत बड़ा रोल है, अगर इनके से ना रहे आप, वो तो है, इनके से ना रहे आप, यहाँ जब ज्ञापन देंगे यहाँ बैठेंगे आप, फोटो आप जरूर फोटो भेजेंगे सर, हम लोग दिमाग को आप जरूर की बात फोटो भेजेंगे, कुछ करेंगे कि हाँ हम लोग यहाँ बैठे थे, ये किया अपनी बात रखेंगे, क्योंकि आप जब तक पहुँचाएंगे नहीं बात वहाँ तक, कोई फायदा नहीं बैठने का, ठीक है, इसलिए तो आप यहाँ के बैठे होंगे। विश्वविद्यालय महाविद्यालय में पढ़ते हैं सर, सबसे पहले टीकाकरण की व्यवस्था और विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में करानी चाहिए सर। हाथ बात सबसे ये है, आप बताए सर, क्योंकि आप भी पोस्ट पे हैं, जाहिर सी बात है खैर एजुकेशन के द्वारा ही आप वहाँ पहुँचे सर, आप बताइए बहुविकल्पी प्रश्न अंतिम वर्ष में बहुविकल्पी प्रश्न का आधारित क्वेश्चन लेने का क्या मतलब है सर?
आप बताइए क्या छात्राएं से कोई प्रिपेयर है? पिछले साल प्रमोट किए थे 5% मेरा खुद है। इससे पहले इतनी त्रासदी, इससे पहले इतनी बड़ी त्रासदी आज से 100 साल पहले आई थी। स्पेनिश फ्लू कहते थे उसे, ठीक है। वो आप भी सो नहीं रहा, मैं भी नहीं रहा हूँ, 8 करोड़ ठीक है, ये सब अच्छी बात है। पर बात समझिए पहले कि जो पॉलिसी डिसीजन होते हैं वो यहाँ बैठे से ही जाते हैं। आपकी बात रखिए, मैं आपकी बात पहुँचाऊँगा, जो बेस्ट पॉसिबल वो है, मीडिया की बात पहुँचेगी, ठीक है। इसको निर्णय लीजिएगा। अगर आप सुनेंगे 2 जून से 7 जून तक बैठने में या 2 मई से 7 जून तक बैठने में, इससे कोई मनीष ओझा, छात्र नेता, गोरखपुर विश्वविद्यालय। आज हम लोग भयंकर कोरोना काल जो चल रहा है इस पूरे देश, इससे त्रस्त है। 4 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया था। हमारी डिमांड थी कि स्नातक प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और परास्नातक प्रथम वर्ष के छात्रों को प्रमोट किया जाए बिना शर्त। और दूसरी मांग हमारी ये थी अंतिम वर्ष के जो छात्र हैं, अंतिम वर्ष के छात्रों को जो बहुविकल्पी प्रश्न का जो एक बोझ लादा जा रहा है, वो बोझ ना दिया जाए। पिछले तरीके से जैसे पहले परीक्षाएं होती थी, उस तरह से परीक्षाएं कराई जाएं। तीसरी डिमांड हमारी ये है कि अगर परीक्षा के दौरान कोरोना के चलते अगर किसी छात्र छात्रा के निधन होते हैं तो उनके परिजन को 10 लाख रुपये मुआवजा पहुँचाया जाए और छात्र छात्राओं को भी टीकाकरण में वरीयता दिया जाए। अगर हमारी ये डिमांड नहीं पूरी की गई तो आज हम लोग पुनः आए मंडलायुक्त महोदय के माध्यम से राज्यपाल जी को वही ज्ञापन सौंपने आया गया। अगर हमारी डिमांड नहीं पूरी की गई तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना देने को भी बाध्य होंगे।